गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा IBPS RRB के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम एक मंथ में पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम, अच्छे स्कोर से पास करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए IBPS RRB 6 इसका फॉर्म आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी लिंक भी एक्टिवेटेड हो चुका है। और आपका जो मल्टीपर्पज़ का पेपर है वो है आपका 17 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, ये तीन डेट आपका जो है वो फिक्स किया गया है। और ऑफिसर स्केल वन का जो है उसका 9, 10 और 16 सितंबर, उसी हिसाब से हमने आपके लिए टाइम टेबल प्रिपेयर किया है। और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका IBPS RRB जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में आपका दो सेक्शन आते हैं, एक आता है मैथ्स जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा आता है रीजनिंग, रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो जो रीजनिंग का पार्ट होता है ये हमारा बहुत ईजी होता है और बहुत स्कोरिंग होता है। आप जो सामने जो रीजनिंग के सिलेबस देख रहे हैं, चैप्टर्स देख रहे हैं और मैथ्स के देख रहे हैं, रीजनिंग के जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अब जैसे मैंने पूरा आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है, पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो जो रीजनिंग का बेस होता है वो होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आप सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है, डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डायरेक्शन के बाद आता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये जो ऊपर मैंने फोकस किया है, ये जो आपका जो पार्ट है 5 चैप्टर्स हैं, ये आपका 10 मार्क्स का आता है और इसके लिए मैंने डेट आपको दिया है 1 to 4 अगस्त। पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बना है, 1 से 4 अगस्त तक आप ये 5 चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सबसे इजी चैप्टर्स हैं रीजनिंग के। पहला है डायरेक्शन, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तीसरा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग और 5th चैप्टर है ब्लड रिलेशन। तो पहले आप इसी से ही स्टार्ट करिएगा, बिकॉज आगे जब आप सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल करेंगे तो आपको उसके लिए डायरेक्शन का भी ध्यान होना ज़रूरी है। मतलब डायरेक्शन अगर नहीं आता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी ध्यान होना ज़रूरी है, ब्लड रिलेशन भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पज़ल में आजकल ब्लड रिलेशन से ज़्यादा रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको पहले वो 5 चैप्टर्स जो पूरा रीजनिंग का बेस है, बेसिक है, एक तरह से बोल सकते हैं उसको पिलर है, अगर आपको ये 5 चैप्टर्स आ गए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 5 चैप्टर्स आपको, और बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, इसके सारे वीडियोज़ हमारे चैनल youtube.com/bankingshortcuts पर अवेलेबल है। तो आप पहले एक बुक उठाइए, एक चैप्टर सपोज डायरेक्शन है, डायरेक्शन पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करिए, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ करिए, उसको क्वेश्चन करिए। कोई आपको प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। आप फ़ोटो के साथ, आपकी बुक है, बुक से फ़ोटो क्लिक करिए, फ़ोटो हमको भेज दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया 1 से 4 अगस्त तक ये 5 चैप्टर। इसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट, ये भी बहुत ईजी है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, ये हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। इसके लिए सिर्फ आपको एक दिन देना है, लेकिन इनपुट आउटपुट अगर आप चाहें तो पहले वो कर सकते हैं, या इनइक्वालिटीज़ चाहें तो आप पहले वो कर सकते हैं, बिकॉज इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, इनपुट आउटपुट से भी इजी है। तो आप 5 अगस्त को इनइक्वालिटीज़ पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कोई क्वेरी हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन, आंसर विद सॉल्यूशंस पूरा आपको डिटेल में भेज देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है 5 अगस्त हो गया, 6 अगस्त हो गया, आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फिर आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। जब तक आपको रीजनिंग का बेस जो 5 चैप्टर्स हैं वो नहीं आएंगे, तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का, और अभी वीडियो हमारे उस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, पज़ल का नहीं पड़ा हुआ है शायद, पर पज़ल का भी डाल देंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, पहले जो 5 बेस चैप्टर हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बुक उठाइए या कोई भी वेबसाइट आप उठा लीजिए, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते जाइए, पढ़ते जाइए क्या उसका लॉजिक होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट करिए, पज़ल करिए, इसके लिए आप 3 दिन ले सकते हैं, 7, 8, 9, बिकॉज थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये, और बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ये आपका 10 से 15 मार्क्स का आता है, और कभी कभी तो 20 मार्क्स का भी आ जाता है। आपका कोई एक सेक्शन कम कर देते हैं उसकी जगह, जैसे लास्ट ईयर अभी आपका जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कभी कभी सिलॉस नहीं दे रहा है, तो उसमें 20 मार्क्स का आपको पज़ल दे देते हैं। तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल आपको आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 3 दिन में आप आराम से कर सकते हैं।
7 to 9 आपका हो गया, 7 से 9 अगस्त। इसके बाद आता है आपके पास डेट आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त में आप सिलॉज में पढ़ सकते हैं। सिलॉम्स का वीडियो हम 1 या 2 दिन में अभी अपलोड कर देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे क्वेश्चन आता है। और बहुत इजी ये भी चैप्टर है, ये आपका 5 मार्क्स का आता है। इनइक्वालिटीज़ आप देख रहे होंगे सामने, डेट के पहले सारे जो 5 5 5 10 to 15 5 ये सब मार्क्स लिखे हुए हैं। ऊपर जो 5 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स का आता है, इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स का आता है, इनइक्वालिटीज़ 5 मार्क्स का, सिलॉज 5 मार्क्स का, पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 10 से 15 मार्क्स का आता है, पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट ये 10 से 15 या 20 भी हो जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग होता है ये आपका बहुत ईजी होता है। इसमें आपका जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, डेटा सफिशियंसी हो गया, ये सारे चैप्टर्स आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। ये 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, पर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें 3 4 चैप्टर्स हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको 2 दिन दिए हुए हैं, 11 to 12 अगस्त। अब ये आपका पूरा सिलेबस 12 अगस्त तक आपको कंप्लीट करना ही करना है। देखिए गाइडेंस मैं दूंगा, गाइड मैं करूँगा, मेहनत आपको करनी है। 12 अगस्त तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद 13 से 15 अगस्त मैंने आपको दे रखा है रिविज़न टाइम। ये 3 दिन में आप पूरा बहुत इजीली आराम से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े हैं, आप चाहे तो वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जो 3 दिन ये आपके दिए हैं, 13 14 15 अगस्त, इस 3 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद अब आता है हमारा मैथ्स का पार्ट। मैथ्स का पार्ट में देखिए जो जो इजी चैप्टर्स हैं वो मैंने पहले लिखे हुए हैं, आपको पहले वही करने हैं। पहले आपको डायरेक्ट जो टफ़ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को जो समझ में नहीं आते हैं, आप डायरेक्ट उसमें मत घुसिए, पहले स्टार्ट जो बेसिक है जो बहुत सिंपल्स हैं आप उससे स्टार्ट करिए। सबसे पहले आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, मतलब मल्टीप्लाई डिवीज़न एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो आप ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। और ये पूरा पूरा 5 मार्क्स का आता है, और इससे ज़्यादा स्कोरिंग कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन। और मैं बस आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए पेन पेपर आप भूल जाइए, पेन पेपर का यूज़ मत करिए। जो कैलकुलेशन होता है वो ओरली करिए, मुंह जवानी करिए। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका 5 मार्क्स का आता है, और इसका एकदम सटीक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, 2 पार्ट में वीडियोज़ पड़े हुए हैं इसके। उसमें पहला जो अच्छा वीडियो का टाइटल है वो है हाउ टू क्रैक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 2 मिनट्स, और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताया है कैसे आपको आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो आप अगर चाहें तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। ये आपको 5 मार्क्स का आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 मार्क्स का आपका सिंप्लीफिकेशन, 10 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हो गए। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको उसमें 2 दिन दिए हैं, 16 एंड 17 अगस्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है, आप 1 दिन आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ आपका 5 मार्क्स का आता है। नंबर सीरीज़ में क्या होता है, आपको 4 5 कंटिन्यू नंबर्स दिए जाएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होगा, आपको अगला नंबर बताना होगा। या मिसिंग नंबर सीरीज़ आती है, 2 नंबर दे दिए फिर बीच पे 1 नंबर मिस कर दिया फिर आगे 2 नंबर, तो आप ये बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हैं नंबर सीरीज़ क्या होता है कैसे सॉल्व करते हैं। और नंबर सीरीज़ में क्या है कि बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, सपोज़ 1 नंबर पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 1 का क्यूब चल रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये इसके लिए मैंने इसलिए आपको 2 दिन दिए हुए हैं, 19 एंड 20 अगस्त। आप 2 दिन आराम से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी नंबर सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस और PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है आप वो भी देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो आप बस फोटो क्लिक करिए, हमको भेज दीजिए, हम आपको विथ सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर आंसर आपको आपको रिप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी में क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और साथ में 2 आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे, मतलब कि उन 2 कंक्लूजन से आपको बताना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया ये हमारा आंसर आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। ये होता है डेटा सफिशियंसी, बहुत ईजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का आता है। हमारी वेबसाइट पर bankingshortcuts.com, आप उसमें ऊपर जब सर्च वेबसाइट हमारा विजिट करेंगे तब ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च में आप लिखेंगे डेटा सफिशियंसी और एंटर मारेंगे तो आपको पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा डेटा सफिशियंसी का। उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपको मैथ्स, देखिए मैथ्स में आपको अगर
जो चार चैप्टर स्टार्टिंग के बोले हैं, कट ऑफ तो आप निकाल लेंगे, लेकिन आपका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ निकालने के लिए आपको सिर्फ तीन चैप्टर, चार चैप्टर आना ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा सफिशिएंसी। अगर ये आपको बहुत अच्छे से आ गया, आप कट ऑफ निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ कट ऑफ निकालने से नहीं होगा, आपको स्कोर करना है, अच्छा मैक्सिमम स्कोर करना है। तो इसके बाद आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, एक आपको ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ को आपको रीड करना होता है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, youtube.com/bankingshortcuts, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस पड़े हुए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की PDF बुक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है डेटा इंटरप्रिटेशन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube पर वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको इसलिए 3 दिन दिए हैं क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। पहले दिन आप पूरा इसका लॉजिक समझिए, क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, एग्जाम्पल्स पढ़िए। उसके बाद 2 दिन आप सिर्फ इसके क्वेश्चंस करिए, जहाँ से भी आप, जो भी इंटरनेट पे आपको मिले, बुक से मिले, जहाँ से भी चाहें आप वहाँ से पूरे पूरे क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है आप हमको फ़ोटो खींच के हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/bankingshortcuts या फिर हमारी वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हर हम आपको पूरा आंसर, प्रॉपर आंसर विद सॉल्यूशंस आपको हम सेंड कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा, देखिए जो अब जो 6 नंबर लिखा हुआ है, मिसलेनियस। मिसलेनियस के अदर्स जो चैप्टर्स बचे, ये सारे चैप्टर्स बहुत ईजी होते हैं। ये क्वेश्चन जैसे आपका SCF LCM हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एज हो गया, टाइम एंड वर्क, ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पर अगर सारा ये जितने टॉपिक्स हैं इनको अगर पूरा कंबाइन कर दिया जाए तो आपका 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपका देखिए ट्रेन्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन बहुत इजी चैप्टर है, प्रॉब्लम्स ऑन बोट बहुत इजी। अगर आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन सॉरी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, वो भी आता है इसमें। तो आपको अगर टफ़ लगते हैं चैप्टर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है, मिक्सचर एलिगेशंस टफ़ लगता है, टाइम एंड वर्क टफ़ लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। और जो बहुत ईजी चैप्टर्स हैं वो हैं आपके स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो, प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन बोट, और इसके बाद पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर्स इनके जिसके मैंने नाम लिए, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप का बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉपर लॉजिक हमने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, सर्च करिएगा पार्टनरशिप, आपको पूरा एकदम डिटेल्ड जो उसमें जो भी जैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप पूरा उसमें अवेलेबल है। ये सारे कंबाइन कर दे तो आपका 10 मार्क्स का आता है। इसलिए मैंने इसमें आपको 3 दिन दिए हुए हैं, 26 से 29 अगस्त। जो आपको ईजी लगते हैं आप वो पढ़ लीजिए, टफ लग रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। 29 अगस्त तक आपका मैथ्स हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद 30 अगस्त, 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आपको रिवीजन टाइम है। 5 दिन मैंने दिए हुए हैं। इस 5 दिन में आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेबस ख़त्म करना है। आपको 29 अगस्त से 16 से स्टार्ट करना है, 29 तक ख़त्म करना है। इसके बाद आपको कोई भी बुक उठा लीजिए, मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, और या फिर इंटरनेट से आप अगर सम्स ढूंढ सकते हैं तो आप वहाँ से ढूंढ लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आपको 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया, मैथ्स कंप्लीट हो गया 3 सितंबर तक। अब इसके बाद आपके पास टाइम बचता है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं छूने हैं। छूएंगे मार्क्स कम आएंगे, ऑलवेज आपको डिप्रेशन होगा, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। आपको कोशिश करनी 3 सितंबर तक हर हाल में आपको मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4 सितंबर से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऑनलाइन टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ बस वही करना है। ऑनलाइन टेस्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ऊपर आपका कॉलम आता है हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पर लिखा हुआ है फ्री स्पीड टेस्ट, वहाँ पर भी आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मैथ्स और रीजनिंग का। कोशिश करिएगा पेन पेपर कम यूज़ करिए, और जितने ज़्यादा मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं उतने ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट 4 सितंबर से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। अब ये हो गया आपका प्रीलिम्स। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, हमारी वेबसाइट पर हम डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथ के एंड में PDF अपलोड कर देते हैं। और अगर आपको डिटेल में लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम अपने ब्लॉग पे वन लाइनर करंट अफेयर्स भी देते हैं, सिर्फ हेडलाइंस देते हैं। तो अगर आप चाहें तो डेली सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 5 मिनट लगेगा, डेली आप वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ते जाएं और उसको कहीं कॉपी पर नोट करते जाएं। तो उससे क्या होगा, जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और वो नोट्स बनाते जाएं करंट अफेयर्स के एक एक करके, आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस आएगा, मेंस के लिए आपको टाइम कम होगा। तो उसमें आपको फिर बैंकिंग अवेयरनेस भी करना होगा कंप्लीट, कंप्यूटर्स भी करना होगा कंप्लीट, फाइनेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कंप्लीट करना होगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, और स्टैटिक जीके भी आती है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना होगा। तो बेस्ट है आप ये 1 अगस्त से हमारी वेबसाइट पे या हमारे ब्लॉग पे करंट अफेयर्स अवेलेबल है, वन लाइनर करंट अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस देते हैं हम, और मंथ के एंड में वन लाइनर करंट अफेयर्स का PDF भी अपलोड कर देते हैं। तो आप चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं, और कोशिश करिए डेली का डेली करंट अफेयर्स रिवाइज करते चलिए, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है हमारा पूरा टाइम टेबल, पूरा सिलेबस, आप इसके अकॉर्डिंग चाहें, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको जैसा भी लगे, आपको अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी लगे, जो भी सही लगे आपको। अगर डायरेक्शन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये नहीं पढ़ना है, इनपुट आउटपुट पहले पढ़ना है, तो आप वो कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, या कोई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया है आपके सामने है ये। बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर, कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपको पूरा सॉल्यूशंस हम लोग रिप्लाई में भेज देंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच।